हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनलिमिटेड एजुकेशन। मैं हूँ अविनाश कुमार और आरआरबी एएलपी पेपर 2 के लिए फिजिक्स एंड मैथ्स ट्रेड में फिजिक्स की क्लासेस मैं आप लोगों को लूँगा। तो आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर होगा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। ये आपका फर्स्ट चैप्टर होगा। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि यार क्लास 11 से स्टार्ट करो, ये एक्चुअली क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है। और क्लास लेने से एक दिन पहले मैंने यूट्यूब पे काफ़ी सर्च किया, चैनल्स पे देखा लोग क्या पढ़ा रहे हैं। 11 से बहुत लोगों ने, सारे लोगों ने मोस्टली स्टार्ट किया है और उनका स्पीड से लग नहीं रहा है यार कि 2 महीने में वो लोग चैप्टर आप लोग का ख़त्म कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपका क्लास 12 का मैं लेता हूँ क्लासेस, और क्लास 11 और क्लास 12 के टॉपिक सब में कोई रिलेशन नहीं है। मतलब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पहले पढ़ो, ग्रेविटेशन बाद में पढ़ो, कोई मतलब नहीं है, सब एकदम डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक है। तो आप लोग को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेसिकली ऐसा करने का मेरा मेन रीज़न ये है ना कि आपका समय रहते आप लोगों का सिलेबस ख़त्म हो जाए। ठीक है, मैं कुछ पार्ट्स पढ़ाऊँ, मैं एक्चुअली आप लोग का सारा पढ़ाऊँगा, आप लोग के 11th का सिलेबस भी मैं ही लूँगा। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पहले एज अ सेफ्टी मेजर मैंने स्टार्ट किया है और अच्छा भी रहेगा। ठीक है, और अभिजीत सर आप लोगों को बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में फिजिक्स के कुछ टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं। होता क्या है ना कि दोनों का सिलेबस थोड़ा कॉमन है, तो यूनिट एंड डायमेंशन, वर्क पावर एंड एनर्जी, लॉ ऑफ मोशन, ये सब आप अभिजीत सर के लेक्चर्स भी फॉलो कर सकते हो। काफ़ी अच्छा से उन्होंने बताया, मैंने उनका लेक्चर पूरा देखा है, काफ़ी अच्छा से बताया। मैं भी वैसे पढ़ाने वाला हूँ, मेरा थोड़ा तरीका अलग होगा, लेकिन तब तक के लिए मैं आप लोगों को बस एक सेफ्टी मेजर बता दिया कि आप लोग वहाँ से कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़े। आप लोग का टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, नाम से ही स्पष्ट है, जिन लोगों को पता होगा कि ये दो पार्ट में बना हुआ है, इलेक्ट्रो और स्टैटिक। इलेक्ट्रो का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज, स्टैटिक का मतलब हो गया विच इज एट रेस्ट। ठीक है, तो डिफिनेशन ही इलेक्ट्रोस्टैटिक का ये, इलेक्ट्रोस्टैटिक इज अ स्टडी ऑफ चार्ज विच इज एट रेस्ट। ये खुद से बना लिया मैंने आप लोगों के लिए। तो आप लोग पहले एक काम करना, थोड़ा कॉपी वॉपी निकाल लो, क्योंकि मैं कुछ कंसेप्ट आप लोगों को बताऊंगा। शुरू के एक दो लेक्चर में हम लोग कंसेप्ट की बात करेंगे और धीरे धीरे अपन प्रैक्टिकल होते जाएंगे, अपन प्रॉब्लम्स पे आएंगे। तो कंसेप्ट थोड़ा जान लोगे ना, तो कुछ प्रॉब्लम्स जो मैंने नहीं पढ़ाया है बहुत से लोग मिस करते हैं, तो वो आप लोग कंसेप्ट पे भी आप लोग बना लोगे, तो कंसेप्ट थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो अगर आप लोग के पास अभी नोट्स हैं तो नोट्स खोलो और थोड़ा लिखना चालू कर दो। ठीक है, तो सबसे पहले चार्जेस होता क्या है, ठीक है, अपन इसके बारे में जान लेते हैं। तो उसके लिए अपन आते हैं एटम पे। एटम ऐसा होता है, बीच में आपका न्यूक्लियस होता है, बहुत बहुत छोटा होता है, बट अपन यहाँ रिप्रेजेंटेशन के लिए मैंने थोड़ा सा बड़ा बना दिया। तीन पार्टिकल मेजर होते हैं, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। न्यूट्रॉन का चार्ज होता है 0, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अपन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात करेंगे, न्यूट्रॉन की बात नहीं करेंगे, ना के बराबर। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये दोनों का चार्ज बराबर होता है। वैल्यू कितना होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹। ये रट्टा मार लो सब कोई, 1.6 × 10⁻¹⁹ कुलम्ब डायमेंशन इसका ये होता है। तो डिफरेंस दोनों में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, एक आपका हो गया निगेटिव और एक हो गया पॉजिटिव। अब एटम का मैंने यहाँ पे चर्चा क्यों किया है ना, यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक है। आपका प्रोटॉन होता है अंदर, न्यूट्रॉन होता है अंदर, ये दोनों इधर उधर नहीं करते, वो अंदर ही रहते हैं। बाहर रहता है कहाँ है आपका, इलेक्ट्रॉन। बाहर ऐसा एक ही मैंने लाइन बनाया ना, तीन चार लाइन होता है, बहुत लाइन होते हैं, ठीक है, घूमते रहते हैं चारों तरफ। तो इलेक्ट्रॉन आपका बाहर होता है। ठीक है, अब चार्ज का कंसेप्ट, इलेक्ट्रिक करंट का कंसेप्ट आता कैसे है ना, जैसे एक एक ये एटम हो गया ना आपका, एक और एटम ऐसे ही होता है, ऐसे हजारों एटम होते हैं, बट समझने के लिए समझो दो एटम मैंने बना लिया। दो दो एटम जब आपस में आते हैं ना एक दूसरे के संपर्क में, तो फिजिकल और केमिकल कुछ रिएक्शन हो गया, तो इधर का एक इलेक्ट्रॉन, ये जैसे एक इलेक्ट्रॉन है ना, ये इधर चला गया, या इधर का इलेक्ट्रॉन इधर चला गया। तो इन दोनों में इलेक्ट्रॉन का हेरा फेरी होता है ना, तो
गड़बड़ा जाता है थोड़ा चार्ज का वैल्यू। मतलब अंदर, जैसे ये एटम का एग्जांपल ले लो, अंदर अगर 16 इलेक्ट्रॉन है ना और 16 प्रोटॉन है ना, तभी दोनों बराबर है। ये देखो 1.6 इधर भी हो गया, 1.6 × 16 उधर भी हो गया, दोनों मिलके न्यूट्रल हो गए। लेकिन दो एटम जब हेर फेर हुआ ना, तो एक का इलेक्ट्रॉन दूसरे पे चला गया, दूसरे का इलेक्ट्रॉन पहले पे आ गया, ऐसा कुछ रिएक्शन होता है। इससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन गड़बड़ हो जाते हैं, थोड़ा कम ज्यादा हो जाता है। तो जिधर प्रोटॉन ज्यादा रहा, जिधर आपका प्रोटॉन ज्यादा रहा इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में, तो वो आपका पॉजिटिव हो गया, और जिधर आपका इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया वो आपका निगेटिव हो गया। ये कंसेप्ट समझ लो, इस पे आप लोगों के घुमा फिरा के एक दो क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, लिख के लो लो, इस पे आप लोगों के एक दो क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे मैंने क्या क्या बताया याद रखो, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का चार्ज 0 होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, माइनस या प्लस, इलेक्ट्रॉन के केस में माइनस, प्रोटॉन के केस में प्लस, × 10⁻¹⁹। ये पूरा समझ लो, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, आप लोगों को कुछ लॉ बताता हूं। चलिए, बात रहा लॉ और प्रॉपर्टी की, तो कुछ प्रॉपर्टीज पहले देख लेते हैं चार्ज के क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो चार्ज का वैल्यू क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिखते हैं −1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, ये सब लिख लो, ठीक है। दो तीन प्रॉपर्टी होती है, ये आप लोगों को काम करेगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। एक होता है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, ठीक है, मतलब क्या होता है ना, क्यू दो तीन चार बॉडी है तो टोटल इक्विवेलेंट क्या होगा, Q1 + Q2 + Q3 प्लस डॉट 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 लेकर चलो। ये अभी समझने के लिए रख लो, क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे तो ये अच्छे से क्लियर होगा। दूसरा क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और तीसरा क्या होता है आपका, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये तीन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में डिटेल से अपन थोड़ा देर में बात करेंगे। ये तीनों समझ लो, शॉर्ट में बताता हूँ। पहला आपको बता रहा है कि दो तीन तरह के चार्ज है ना, तो टोटल चार्ज सबका समेशन होगा। दूसरा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यहाँ पे अपन बात करेंगे चार्ज कैसे कंजर्व रहता है। और तीसरा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में अपन बात करेंगे। ये तीनों प्रॉपर्टीज है, ठीक है, इन तीनों के बारे में अपन बात करते हैं। एक चीज आता है आपका कूलम्ब, ठीक है, आपका पहला वाला जो मैंने ये कहा है ना, इसके एक दो और इससे फॉर्मूला आपका निकलेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बराबर निकाल दिए, अब ये जो आपका इक्वेशन है ना, इसी को उल्टा कर दो, E इजकल टू 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब है, तो ये कूलम्ब इधर ही रहा और ये वैल्यू को आप उल्टा कर दो, तो 1/1.6 × 10⁻¹⁹ E इजकल टू 1 कूलम्ब होगा। ये चीज समझ रहे हो ना, इसका वैल्यू कितना आएगा, इस सॉल्व करोगे आप लोग तो अप्रोक्स 6.24 × 10⁻¹⁸ आएगा। ये होता है 1 कूलम्ब के बराबर। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ये आप लोग सॉल्व भी कर सकते हो, बट न्यूमेरिकल में आप लोग के पास टाइम कहाँ रहेगा, तो मैं बोलता हूँ कि आप लोग रट लो इस चीज को, ठीक है। दो चीज आप लोग को अभी तक बताया मैंने, 1 कूलम्ब का वैल्यू, 1 इलेक्ट्रॉन का वैल्यू। चलिए अब बात करते हैं आपका फर्स्ट जो प्रॉपर्टीज मैंने बताया था, वो था एडिटिविटी। इसमें कुछ नहीं है, आपके किसी पार्टिकल पे बोला है कि पहले 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 प्रोटॉन है, फिर 3 प्रोटॉन डाला, फिर 3 इलेक्ट्रॉन डाला, तो टोटल क्या होगा, ठीक है। तो इसको मतलब में समझो, ई और पी बराबर है, बस ई वाला आपका हो गया, ई वाला हो गया आपका निगेटिव और पी वाला हो गया आपका पॉजिटिव। इसको ऐसे लिखो, −4 + 4 + 3 − 3। तो आपको पूछेगा कि इतना मिलाने के बाद टोटल चार्ज कितना हुआ था, सबको जोड़ दो, जोड़ोगे तो 0 आएगा, ठीक है। अगर फिर मान लो इधर एक और मान लो 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे जोड़ दिए, तो यहाँ पे −2 आ गया, तो अब टोटल कितना हो गया, −2 + −2, ये हो गया आपका −2 टोटल चार्ज E, ठीक है। और E का वैल्यू आप लोग कूलम में आप लोग को निकाल ही दिया मैंने, तो वैसे लिख सकते हो। सेकेंड आपका हो गया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज,
ये लो आपका बोलता है ना, मतलब इसका डिफिनेशन मैंने कहीं पढ़ा था कि द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज स्टेट्स दैट नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेट सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग एनी फिजिकल प्रोसेस। जैसे मान लो कि ये आपका कोई बॉडी है, इसका नेट चार्ज अगर मान लो 1 सेकंड के लिए 0 है ना, इस पर कोई भी प्रोसेस डाल दो, इधर कुछ इलेक्ट्रॉन आ गया, इधर कुछ प्रोटॉन आ गया, कुछ भी हुआ ना, टोटल इसका हमेशा टोटल इसका 0 ही रहेगा। मतलब टोटल चार्ज कंजर्व रहेगा, चार्ज कहीं से क्रिएट नहीं होता है, बस इधर का उधर होता है। आप लोग को याद करो पहला स्लाइड में मैंने इसीलिए आप लोगों को कंसेप्ट बताया था। कंसेप्ट समझना थोड़ा जरूरी है कि बाहर इलेक्ट्रॉन रहता है, ये ऐसे एटम है, बाहर आपका इलेक्ट्रॉन रहता है, अंदर आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। तो वही हेर फेर होता है, कुछ प्लस हुआ कुछ निगेटिव रहा, लेकिन टोटल क्या होता है, हमेशा हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये यहाँ पे 0 बता रहा हूँ ना मैं, अगर मान लो टोटल 4 है ना, 4 कूलम, तो कुछ भी कर दो टोटल हमेशा चार्ज रहेगा, ठीक है, हमेशा 4 कूलम भी रहेगा। ये रट्टा मार लो, दो प्रॉपर्टीज हो गया। अब अपन तीसरा प्रॉपर्टीज पे जाते हैं। तीसरा प्रॉपर्टीज हो गया क्वांटाइजेशन। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है ना, देखो चार्ज का भी यूनिट हुआ, अपन चार्ज को कैसे लिखते हैं, 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम। तो आप लोग सोचोगे कि भाई ये 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम है क्या, ठीक है, तो यहाँ पे क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट आता है। ऐसे समझो मार्केट में अभी 50 पैसा बंद है ना, 25 पैसा बंद है ना, तो आप लोग कोई चीज खरीदोगे तो 5 रुपए में खरीदोगे, 6 रुपए में खरीदोगे, 5.5 में कुछ खरीद सकते हो नहीं ना, क्योंकि 50 पैसा है ही नहीं। अगर 5.5 किसी चीज का कीमत है तो या तो दुकान वाला दोस्त है तो 5 रुपया मिलेगा या 6 रुपया मिलेगा, ठीक है, यही क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट है। अगर वही 50 पैसा चल रहा होता तो आप लोग कोई चीज 5.5 का है तो 5.5 में खरीदते, 6.5 का है तो 6.5 में खरीदते, ठीक है। 25 पैसा चलता तब 5 रुपये 25 पैसे में भी कोई चीज बिकता तो आप लोग 5 रुपये 25 पैसे में खरीदते हैं, समझे। यहीं पे क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट आता है कि जो मिनिमम यूनिट है ना चार्ज का, मिनिमम यूनिट मैं बता देता हूँ, अपन 3 पार्टिकल पढ़े ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का जैसे वैल्यू हो गया 1.6 × 10⁻¹⁹। ये इसको हम लोग मान के रखते हैं कि चार्ज का ये मिनिमम वैल्यू है। ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻¹⁹ और निगेटिव, ठीक है। ये सबसे छोटा यूनिट माना गया है चार्ज का, कि इससे छोटा नहीं हो सकता। वैसे रिसर्च की बात बताऊं तो इससे भी छोटा होता है, अभी रिसर्च आया है कि क्वार्क स्पार्क ये सब कुछ होता है, इससे भी छोटा होता है, लेकिन आप लोगों को रेलवे में वो सब जानने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉन को सबसे छोटा मान के रखो, और हम लोग कुलम्ब में पढ़ते हैं, तो कुलम्ब इज इक्वल टू 6.24 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन हुआ। देख रहे हो 6.24 × 10⁻¹⁸ कितना ज्यादा है, उतना इलेक्ट्रॉन ले लो और तब उनका जो टोटल चार्ज हुआ ना उसको हम लोग 1 कूलम्ब के बराबर मानते हैं, ठीक है, 1 कूलम्ब के बराबर इसको मानते हैं। अगर इसको आप सॉल्व भी करोगे ना, 6.24 × 10⁻¹⁸ और इलेक्ट्रॉन का वैल्यू है 1.6 × 10⁻¹⁹, तो ये गुना होके 1 ही आएगा, ये 1 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि यही से फॉर्मूला ही डिराइव हुआ है ना, कंसेप्ट यही है आपका। तो ये लॉ आपको बोलता है ना कि किसी पे जो चार्ज आएगा ना, सिंस बेसिक यूनिट, जैसे मैं एग्जांपल बताया था कि 1 रुपया है तो 6 रुपये में लो, 7 रुपये में लो, 5.5 या 6.5 में नहीं ले सकते हो, तो उसी तरह बेसिक यूनिट अगर ई है ना, तो किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा ना, जो चार्ज होगा उसका क्यू, उसका जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना इंटू 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, क्यू इंटू 1 इलेक्ट्रॉन, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का लॉ है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये चीज सीख लो, इस पे एक दो न्यूमेरिकल आ सकता है, ठीक है, एक बेसिक कंसेप्ट है। जैसे मैं बताया क्यू ई यहाँ पे हो गया 1 रुपया, ठीक है, और एन हो गया नंबर, और क्यू हो गया किसी चीज का दाम, अगर 10 दाम है तो 10 × 1 रुपया दो, ठीक है। अगर मान लो मार्केट से 1 रुपया बंद हो जाए ना, 2 रुपये आ जाए, तो 10 रुपये जिस चीज का कीमत रहेगा आपको कितना 2 का सिक्का देना पड़ेगा, 5, तो वहां पे एन कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और क्यू ई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर 1 रुपया रहेगा तो एन कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है, वही 10 रुपए होने के लिए। तो ये आपका क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट है कि एन इंटू क्यू ई हो जाएगा टोटल चार्ज। कभी भी जैसे 1.6 × 10⁻¹⁹ है ना चार्ज, तो इसको इतना, ये जो देख रहे हो इतना
इंटू 1.5 करो तो जो वैल्यू आएगा ना, इतना चार्ज किसी पे भी नहीं हो सकता, ठीक है। हमेशा उसको या तो इतना इंटू 1 होना चाहिए या तो इतना इंटू 2 होना चाहिए। मतलब किसी भी बॉडी पे जो चार्ज है ना, वो 1e होगा या 2e होगा या 3e होगा या 10 के पावर 5e होगा, कुछ भी होगा, ठीक है। लेकिन 3.5, 3.2, 3.3 ऐसा नहीं हो सकता है। ये आपका क्वांटाइजेशन का लॉ बोलता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये प्रॉपर्टी होता है। इस पे मैं आप लोग को, जैसे आप लोग कुछ क्वेश्चंस भी कर लो, इतना देर थोड़ा थ्योरी पढ़ के बोर हो गए होगे, तो आप लोग 2-3 क्वेश्चंस देख लो अभी तक जो मैंने पढ़ाया है, उसे समझ जाओगे, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्वेश्चंस है, किसी बुक से ही मैंने उठाया है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो एन ऑब्जेक्ट हैज एक्सेस चार्ज, हैज एक्सेस चार्ज ऑफ, थोड़ा शॉर्ट में लिखता हूं, -1.92 × 10⁻¹⁷ कूलम, ठीक है। तो बोल रहा है कि कितना इलेक्ट्रॉन इस पे होगा, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मैंने बताया था ना, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बताया था ना, एडिटिविटी प्रॉपर्टी आपका चार्ज का मैंने बताया था ना, तो उसका मतलब आप लोग को यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि उस पर चार्ज इतना है, तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा। तो हम लोग क्या बोले थे, क्यू इजकल टू एन इंटू क्यू ई, हमको क्या निकालना है, क्यू दिया हुआ, ये हो गया आपका 1.92 × 10⁻¹⁷। ई आपको पता है, एन निकल जाएगा, एन इजकल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई क्यू ई। सिंपल वही कंसेप्ट है यार, 10 रुपए का सामान है, आपके पास 1 रुपए के सिक्के भरे हुए हैं, तो कितना रुपए का सिक्का निकलेगा भाई। 10 रुपए का सामान है, 1 रुपए का सिक्का है, तो 10/1 10 सिक्के। अगर 2 रुपए का सिक्का रहता है तो 5 सिक्के। तो वैसे ही है यहाँ पे, आप लोग करो -1.92 × 10⁻¹⁷ कूलम डिवाइडेड बाई, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। ये आपका, इससे ये कटा तो कितना हो गया, 10^2, ठीक है। थोड़ा मैं शॉर्ट में ले रहा हूँ, आप लोग कैसे काटना है ये सब तो पता होगा। और 1.6 को 1.92 से काटेंगे तो कितना होगा, 1.322, 1.2 होगा, ठीक है। आप डेसिमल हटाओगे तो कुछ ऐसा ही निकलेगा। तो आपका आंसर हो गया 1.2 × 10^2, ये हो गया आपका 120 आंसर। अब यहाँ पे एक और चीज समझ लो, अगर आप सॉल्व करते ना और आपका आंसर ऐसा आता, जैसे इधर मैं बताता हूँ, आपका आंसर तो 120 आ गया, तो ये आपका आंसर हो गया, बट आपका आंसर 111.5 होता, लेट से एज एग्जाम्पल 2.5 होता, ये कभी आंसर नहीं हो सकता है। ऑप्शन में अगर देगा कि इट इज नॉट पॉसिबल, अगर आपका 2.5 आ रहा है और ऑप्शन में देगा कि इट इज नॉट पॉसिबल, तो आप वो मारोगे, 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है। आपके पास 1 रुपए का सिक्का है और आप 11.5 रुपए का कोई चीज खरीद रहे हो, तो 11.5 सिक्का कभी दे सकते हो, नहीं, ऐसे समझो। क्वांटाइजेशन का क्या क्या यूज है आप लोग को पता चल गया। चलिए और क्वेश्चंस देखना है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चंस में रहेगा आपका ऐसा, ये सब अभी बेसिक है, जरूरी नहीं है कि ऐसा क्वेश्चन आएगा, इसे थोड़ा टफ लेवल का भी आएगा। मैं आप लोगों को कंसेप्ट बस समझा रहा हूँ। एक क्वेश्चन ऐसा होगा कि -5 N कूलम्ब, एन का मतलब हो गया नैनो, यूनिट एंड डायमेंशन में अभिजीत सर आपको बताए होंगे, अगर आप लोग पढ़े हो तो, नहीं पढ़े हो तो मैं बता देता हूँ। और दूसरे पे है मान लो -3 नैनो कूलम्ब, इतना चार्ज है। बोला गया कि ये दोनों बॉडी को एक दूसरे से मिला दिया गया, तो इक्विवेलेंट कितना चार्ज आएगा, सिंपल एडिशन वाला आपका रूल लगेगा, क्यू इजकल टू Q1 + Q2 + Q3, Q1 + Q2 + Q3, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे 2 है तो आपको दोनों जोड़ दो, तो -5 + -3 कितना हो गया, -8 नैनो कूलम्ब। याद रखो यूनिट हमेशा गौर करो, यहाँ पे नैनो कूलम्ब है, यहाँ पे नैनो कूलम्ब है, अगर एक में नैनो कूलम्ब और एक में माइक्रो कूलम्ब रहता ना, तब जैसे मैंने ये 5 और 3 जोड़ा है वैसे नहीं जोड़ते, तब नैनो और माइक्रो को बराबर करते किसी तरह। एक का मतलब 10^-9 होता है, एक का मतलब 10^-6 होता है, ठीक है। तो उस टाइप के क्वेश्चंस अगर कभी आएगा तो अपन प्रैक्टिस में वो भी देख लेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस इन सब कंसेप्ट को मिला के रहेगा, ठीक है। जैसे चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं ये, जैसे क्वेश्चंस आपका रहेगा कि एक, लेट से एक कोई पार्टिकल है, ठीक
ठीक है, उसका चार्ज है -9.6 × 10⁻¹⁸ कूलम, उस पर चार्ज है, ये उस पर चार्ज है। और उस पर 60 प्रोटॉन दे दिया, प्रोटॉन दे दिए मतलब काइंड ऑफ 60 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, ये समझो। प्रोटॉन दिया नहीं जाता, प्रोटॉन सेंटर में होता है, बट बोल रहा है कि ठीक है उस पर हम 60 प्रोटॉन दे दिए, ठीक है, ये हम उस पर डाल दिए। मतलब आपका ये बॉडी है, इसका चार्ज जो है आपका वो चार्ज दिया है और उस पे से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। तो अब बोल रहा है टोटल, इस पे क्वेश्चन आपका दो तीन टाइप के आ सकते हैं। बोलेगा कि टोटल चार्ज बताओ, तो टोटल चार्ज पहला आपका चार्ज हो गया -9.6 × 10⁻¹⁸ प्लस प्लस, याद रखो 60 प्रोटॉन है, 60, और एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, ठीक है, यही आपका होगा ना। आपका इतना चार्ज दिया हुआ है, 60 आपके पास प्रोटॉन है और 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम एक प्रोटॉन का चार्ज होता है। इसको आप सॉल्व करोगे, चलिए सॉल्व करके देखते हैं। तो आएगा -9.6 × 10⁻¹⁸ प्लस, ये 1.6 को 60 से गुना करोगे तो 96 आएगा, सोल्चक 96 होता है ना, × 10⁻¹⁹ कूलम। अरे वाह, ये तो बराबर हो गया, -9.6 × 10⁻¹⁸ प्लस 96 को आप 9.6 × 10 लिख सकते हो ना, 9.6 × 10, तो वो 10 10 के पावर -19 से होके 10 के पावर -18 हो जाएगा ना। चलिए ये दोनों बराबर है, एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है। इसी क्वेश्चन को याद रखो, इसी क्वेश्चन में एक और कंसेप्ट आपसे पूछ देगा, यहाँ पे आपसे चार्ज पूछा है ना, पूछ देगा कि टोटल इस पे इक्विवेलेंट कितना इलेक्ट्रॉन या कितना प्रोटॉन हुआ, ठीक है। तो सिंस यहाँ पे चार्ज 0 है, तो इसका मतलब इक्विवेलेंट प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो भी होगा बराबर होगा, मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी 0 होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका ऐसा रहता ना कि चार्ज आपका आ गया लेट से 1.6 × 10⁻¹⁸, लेट से ऐसा चार्ज आ गया, तो अपन जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है 1.6 × 10⁻¹⁹, एक प्रोटॉन पे कितना होता है 1.6 × 10⁻¹⁹, तो उसे डिवाइड भागा करके अपन यहाँ पे नंबर निकाल देंगे। यहाँ पे आपका आपका वही वाला लॉ लगेगा, Q=N × QE, यहाँ पे QE मैं लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन भी, इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है प्रोटॉन भी हो सकता है, सिर्फ सिंबल का फर्क है, प्लस होगा कि माइनस होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे तीन कंसेप्ट बेसिकली पढ़ लिए, प्रॉपर्टीज हम लोग देख लिए, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्वांटाइजेशन, कंसेप्ट क्या होता है बेसिकली आप लोग समझ गए होंगे। एक दो और लॉ है तो नेक्स्ट लेक्चर में देखना है कि अभी देखना है, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, बट थोड़ा सा बेसिक अगले लेक्चर में क्या क्या रहेगा वो मैं आप लोग को अभी बता देता हूँ। कुछ कंडक्टर और इंसुलेटर का प्रॉपर्टी रहेगा, अभी जानना है क्या? कंडक्टर सिंपल होता है, कंडक्टर होता है सम ऑब्जेक्ट्स विच अलाउ चार्ज टू मूव थ्रू देम, ठीक है, मतलब अगर ये कंडक्टर हो गया ना, तो इसमें चार्ज अगर यहाँ जा रहा है ना, तो यहाँ से यहाँ भी जा सकता है, इसको बेसिकली कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है, मतलब अलाउ करता है। कंडक्टर जहां पे बात आ गया वहां पे करंट भी फ्लो होगा, ये चीज अपन करंट में देखेंगे। तो कंडक्टर ये हो गया और इंसुलेटर हो गया, ठीक है, इंसुलेटर ठीक कंडक्टर का उल्टा होता है, विच डजेंट सपोर्ट द फ्लो ऑफ करंट, या विच डजेंट अलाउ टू मूव फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, इसके बारे में अपन होगा तो आगे देखेंगे, बस सिंपल सा कंसेप्ट है कंडक्टर इंसुलेटर। तो कंसेप्ट आपका समझ में आ गया ना, तो आप लोग समझ जाओगे कि क्या कंडक्टर है क्या इंसुलेटर। आपका एग्जाम्पल देगा आयरन, आयरन आपका क्या है, तो ये कंडक्टर है, लोहे में करंट पास करता है ना, हाँ, तो आयरन आप कंडक्टर, ठीक है। सिल्वर, सिल्वर भी होता है, एल्युमिनियम का वायर आप लोग का होता है पता ही है, बिजली के वायर सब एल्युमिनियम के हो गए, तो सिल्वर एल्युमिनियम ये सब आपका हो गया कंडक्टर। मेटल जो जो भी होते हैं ना, मोस्टली 99% सारे मेटल, 100% भी मान के रखो कंडक्टर ही हो, जहां पे मेटल आएगा ना वहां पे कंडक्टर होता है, ठीक है। एक यहाँ पे फेमस क्वेश्चन आता है, वाटर,
वाटर कंडक्टर है कि इंसुलेटर? बहुत लोगों को एम्बिग्विटी होती है, याद रखो आंसर इसका होगा इंसुलेटर। वाटर से करंट नहीं जाता है। आप लोग कहोगे यार क्या बकवास कर रहे हो, पानी में करंट नहीं मारता है क्या? पानी में मारता तो है। याद रखो वाटर में करंट नहीं पास करता है, वाटर इंसुलेटर होता है। लेकिन हम लोग जो वाटर यूज करते हैं ना, वो प्योर वाटर नहीं रहता है, वो इम्प्योर वाटर रहता है। मतलब उसमें आयंस भी होते हैं। आयंस क्या होता है? पार्टिकल्स होते हैं यार, मेटल के, नॉन मेटल के, क्लोरीन के, सोडियम के, नमक उमक मिले रहते हैं, तो उसके कारण वो कंडक्टर हो जाता है। तो इस पे अगर एक क्वेश्चन आए तो याद रखो यही आएगा, वाटर कंडक्टर है कि इंसुलेटर है? वाटर प्योर वाटर इंसुलेटर होता है, ठीक है, लेकिन इम्प्योर वाटर जिसमें नमक उमक कुछ मिला दिया जाता है, वो आपका कंडक्टर का काम करता है। ठीक है, ये चीज समझ गए? एक दो और चीज होता है, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसको अच्छे से देखेंगे। अभी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या कहता है। तो दो सेम टाइप के चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दो डिफरेंट टाइप के चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सिंपल है, लाइक चार्जेज रिपेल, ठीक है, और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा समझ गए। एक और लॉ होता है, स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स बिटवीन देम। ये सब आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है? अभी आप लोग इतना कहो, एक बार में बहुत पढ़ाऊंगा तो दिमाग से बाहर निकलेगा, है कि नहीं? इस चैप्टर में अपन बस क्या क्या पढ़े हैं वो याद रखो। टू काइंड्स ऑफ चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, एक निगेटिव हो गया, एक आपका पॉजिटिव हो गया। न्यूट्रॉन के बारे में अपन नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में ही पढ़ेंगे। दोनों का वैल्यू कितना होता है? 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। एक का प्लस, एक का माइनस, इलेक्ट्रॉन का माइनस, प्रोटॉन का प्लस। भूल जाते हो, P4+, P4+, P4 प्रोटॉन। लाइक चार्जेज रिपेल इच अदर, सेम तरह के चार्जेज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अनलाइक चार्जेज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, प्रोटॉन प्रोटॉन हो एक दूसरे को रिपेल करेगा। इलेक्ट्रॉन अगर ये हो गया और प्रोटॉन हो गया, दोनों एक दूसरे को खींचेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन पे इस तरफ फोर्स, प्रोटॉन पे इस तरफ। प्रोटॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया और इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये दोनों एक दूसरे को धक्का लगाएगा, मतलब कहेगा भाई नहीं आना है मेरे तेरे पास। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन, एक दूसरे को दोनों रिपेल करेगा और सेम टाइप के रहेंगे, सेम टाइप के तो अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये कंसेप्ट हो गया। चार्जेस इज मेजर इन कूलम्ब, ठीक है, चार्ज को हम लोग किस में मेजर करते हैं? कूलम्ब में। मतलब अगर किसी पे चार्ज रहेगा उसी में आपको प्रीफिक्स लग जाएगा, तो 1 कूलम्ब हो सकता है आपका, 2 कूलम्ब हो सकता है, 100 कूलम्ब हो सकता है, 10^15 कूलम्ब हो सकता है, मतलब इंटीजर वैल्यू कुछ भी दो होगा, 1.5 होगा कि नहीं होगा। मैंने पढ़ाया था इंटीजर वैल्यू होता है, आप लोग कहोगे नहीं होता है, 1.5 C नहीं हो सकता है, एक्चुअली में होता है। लॉ ये बोलता है कि 1.5 × QE नहीं हो सकता है। QE माने इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, जो कि बराबर होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब। ये इसके इस वैल्यू के इंटीजर में होगा। 1.5 × QE करे तो नहीं हो सकता है, बट 1.5 C हो सकता है। ठीक है, ये आपका क्वांटाइजेशन हो गया। ठीक है, मतलब C इजकल टू या बड़ा Q इजकल टू N × QE, ये आपका क्वांटाइजेशन हो गया। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट लेक्चर में अपन और थोड़ा डेप्थ में जाएंगे। आप लोग ये थ्योरी समझ लियो, ये इम्पोर्टेंट है, कंसेप्ट समझ लियो, ये इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चंस कुछ रहेगा मैं आप लोगों को धीरे धीरे बताते जाऊंगा। कहीं पे डाउट हो, किसी भी लेक्चर से रिलेटेड डाउट हो, तो आप उसी लेक्चर के कमेंट में डाल दिया करना, ठीक है? कोई मेजर डाउट हो बड़ा वाला चैप्टर से रिलेटेड, कि सर ये पूरे होल चैप्टर में यहाँ पे डाउट है, ये टॉपिक पढ़ना है, तो आप लोग मेल पे या फेसबुक पेज पे कमेंट कर दिया करना, ठीक है? बट किसी पार्टिकुलर टॉपिक जिस पे मैं लेक्चर बना रहा हूँ, जैसे अभी जो लेक्चर मैं बनाया
इस पे जो भी डाउट है आप इसके कमेंट में करो, इससे क्या होगा समझने में आसानी होगा। होता है क्या ना कि मेल और फेसबुक पेज हम लोग 2-4 दिन बाद भी कभी कभी पढ़ जाते हैं, भूल जाते हैं, तब तक 4 लेक्चर आगे चला गया तो सॉल्यूशन नहीं होता है। तो आप लोग उसी उसी वीडियो के कमेंट में कर दिया करो, ठीक है। उम्मीद है ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा, मेरा पहला लेक्चर है, ठीक है। जैसे जैसे लेक्चर में बढ़ाऊंगा मेरा भी थोड़ा इम्प्रूव होगा, ठीक है। तो थोड़ा मुझे टाइम दो, और अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो, कुछ गलत मैंने पढ़ा दिया होगा, बेसिकली मैंने अपने अनुसार तो सब सही पढ़ाया, बट क्या करूँ, ह्यूमन ही है ना, ह्यूमन एरर हो ही जाता है, ठीक है। तो अगर कुछ हल्का मिस्टेक या कुछ गलत पढ़ाया होगा तो आप लोग कमेंट करो, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सुधार देंगे उसको, ठीक है। आप लोग फॉलो करो लेक्चर, रेगुलरली फॉलो करो, ठीक है। हर 1-2 दिन पर मैं 1-2 लेक्चर डाल ही दूंगा, ठीक है। अभी 1 सप्ताह थोड़ा बिजी था, काम का लोड समझते हो ना, बट अभिजीत सर को भी थोड़ा लोड हो रहा है, तीन तीन चार चार पांच पांच ट्रेड उन लोगों उनको अकेले करना पड़ रहा है, तो इसलिए मैं आप लोगों का फिजिक्स का लेक्चर ले रहा हूँ, और फिजिक्स मेरा काफ़ी अच्छा है। तो आप लोग का मैं पहले अभी कंसेप्ट, आप लोग का 2-3 मेजर कंसेप्ट है, इस पे आप लोगों को मैं बड़ा बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा। क्या ना, मैंने जेई मेंस दिया था तो मैं कंसेप्ट के कारण ही मैंने किया था, ठीक है। बहुत से लोग प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस भी इंपॉर्टेंट है। आप लोग सबसे पहले याद रखो, सबसे पहले आप लोग को कंसेप्ट पढ़ना है, दूसरे नंबर पे, सेकेंड नंबर पे आपका आता है क्वेश्चंस एंड आंसर, क्वेश्चन और आंसर सॉल्व करना है, और तीसरे नंबर पे आप लोग को, सब लोग यही दो चीज जानते हैं, तीसरा नंबर आप आता है कंपटीशन निकालने के लिए, इसी क्वेश्चन आंसर को कैसे इफिशियंट, ठीक है, इफिशियंसी के साथ और क्विक क्विकली कैसे इसको एकदम तेजी से सॉल्व करना, ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आप लोग बस आराम से लेक्चर फॉलो करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, मेरा पहला लेक्चर है, ठीक है। मैं आप लोग को 1-2 दिन में दूसरा लेक्चर डालूंगा, और सिलेबस मैं धीरे धीरे कवर करूंगा, ठीक है। और 11th के चैप्टर भी मैं पहले 12th को इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे डर है कि आप लोग अगर कहीं और से फॉलो कर रहे हो, सब लोग मान के चलो, आप लोग नहीं बिलीव हो रहा है 2 महीना बाद देख लेना, और वापस मेरे लेक्चर पे कमेंट करोगे आप लोग इस सही में सर लेक्चर सब लोग आधा छोड़ दिए, तो इसीलिए मैं आप लोग का 12th का पहले ले रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि भाई आप लोगों का लेक्चर पूरा छूटे, ठीक है। तो इसलिए मैं 12th का आधा पोर्शन सेकेंड हाफ में ले रहा हूँ, फर्स्ट हाफ आप लोग जहाँ से फॉलो कर सकते हो करो। बट अभिजीत अभिजीत सर भी आप लोगों को बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में काफ़ी अच्छा पढ़ा रहे हैं, मैंने उनका सारा लेक्चर देखा है, काफ़ी अच्छा पढ़ा रहे हैं। मैं भी आप लोगों को पढ़ाऊंगा, आप लोग अभिजीत सर का भी फॉलो करो, और मैं जब पढ़ाऊंगा तो फिर आप लोग डिसाइड करना कि यार फॉलो करने लायक हूँ कि नहीं हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब, क्या करूँ चैनल पे होना तो ये चीज़ बोलना पड़ता है, ठीक है। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए चलिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।